तो बेटा हम लोग जब मसल टिश्यू की बात करते हैं तो मसल टिश्यू अपने आप में कितने टाइप की होती है? तीन तरीके की मसल्स होती है। पहली कौन सी? स्केलेटल मसल्स। दूसरी होती है स्मूथ मसल्स। और तीसरी होती है कार्डियक मसल। तीसरी कौन सी होती है? कार्डियक अब बेटा नाम से समझो, जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारे हाथ पैरों की बोन्स में होती है, यानी कि हमारे हाथ पैरों को चलने में क्या करेगी? हेल्प करती है। यानी कि ये फोर लिम्स में होगी, हमारी हिंड लिम्स में होगी। आई बात समझ में? मसल्स अटैच टू बोन्स। क्या होती है स्केलेटल मसल्स? मसल्स अटैच टू बोन्स बोन्स। फोर लिम्स मतलब हाथ, हाइंड लेग मतलब पैर। लेग लिख दू? हाँ ठीक है। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती है बेटा? इंटरनल बॉडी पार्ट से मिलती है, इंटरनल। ठीक है, जैसे कि हमारी आर्टरीज में मिल जाएगी, हमारे यूरेटर में मिल जाएगी। हाँ वहीं से मिलेगी, आर्टरी मिल रही है तो। अरे बस समझ में, आर्टरीज में, वेन्स में, यूरेटर्स में, आइलेट्स में। ठीक है, हाँ यस ये ठीक है। और कार्डियक मसल्स बेटा नाम से समझ में आता है, दीज आर नथिंग बट मसल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमारे गरिमा, यू वांट टू से समथिंग बेटा? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि स्केलेटल मसल से, स्मूथ मसल से और कार्डियक मसल है। अब सिंपल सी बात है, जब 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 तान्या को किसी को लप्पड़ मारना होता है तो वो सोच समझ के मारती है कि हाँ मारना है और अब मेरा हाथ उठने वाला है और अब मैं मारूंगी, और हाथ ये यहां तक लाई, फिर इसने सोचा नहीं सक्षम भला इंसान है, इसको नहीं मारूंगी तो भी चलेगा, तो ये अपना हाथ रोक सकती है क्या? हाँ कि नहीं, एक बार निकल गया तो मार के वापस आता है, नहीं रोक सकती है। यानी कि ये जो हमारे हाथ की मसल्स है ये क्या है? हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, हमारा समीर भाग रहा था, ठंडी हवा का झोंका, बहुत तेज भाग रहा था। बाद में इसने देखा कि कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, तो अब स्पीड स्लो करूंगा तभी कुत्ते जाएंगे, तो क्या कर पाएगा स्लो? कि एक बार एक्सिलरेशन आया तो अब कर पाएगा? यानी कि ये चाहता तो अपने हाथ और पैरों की मसल्स क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। नहीं, हमारे लोग धीरे भागते हैं। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब क्या? अंडर आर विल और कंट्रोल। अंडर आर वे विल और कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या बेटा? वॉलेंटरी मसल्स। लेकिन 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 आर्टरीज ब्लड पंप करने के बाद पूछती है क्या कि आज क्या करें, तेज करें कि धीरे करवाएंगे? पक्का सक्षम? हाँ, या यूरेटर बोलता है यूरिन अभी पास करनी की थोड़ी देर रुक जाए बेटा? वो ब्लैडर, यूरेटर से तो निकल के ब्लैडर में अपने आप ही आती है। आई बात समझ में? तो ये कैसा होता है बेटा? इनवॉलेंटरी। आइलेट बोलती है हाँ आज नहीं सोएंगे, आज नहीं सोएंगे, आज नहीं सोएंगे, कितनी देर कर पाते उसको कंट्रोल? नॉट अंडर आर कंट्रोल। ठीक है, लेकिन अगर तान्या ने सोच लिया कि आज किसी को नहीं मारेगी तो वो कंट्रोल कर सकती है। यानी कि स्केलेटल मसल्स हमारी कंट्रोल में होती है अंडर आर विल, और स्मूथ मसल्स क्या होती है? हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, दे डू नॉट वर्क अंडर आर विल। और दिल का क्या हाल है भैया? पूछता है आज धड़के? नहीं यार, 6 दिन से लगातार धड़क रहे हैं, अब बात तो हो गया। इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी। आई बात समझ में बेटा? तो स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है इसलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं? वॉलेंटरी कहते हैं। ठीक है ना, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंटरी। अब बात करते हैं कि कौन कौन थकता है। तानिया थक जाती है लोगों के साथ मारा कूटी कर करके? नहीं थकती है, तभी तो थकती होगी। यानी कि पढ़ाई करते करते थक जाते हैं अपन,
हाथ चल रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं, है ना। तो वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हमारे हाथ पैरों की मसल्स है, ये आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, थक जाएगी, यानी कि ये फटीग नेचर की होती है। फटीग मतलब क्या, गेट टायर्ड। मैंने दृष्टि को भेज दिया ट्रेकिंग ट्रैकिंग पे 15 दिन की नॉनस्टॉप, वापस आएगी क्या ये? नहीं, थक जाएगी, वहीं सो जाएगी, बोली हटाओ लोग, जिसको जाना चाहो मैं जंगल में घुसू, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आ रही बात समझ में? लेकिन 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 कभी आज तक हमारे आईलिड्स की मसल थक गई क्या? नहीं। नहीं। हमारा अंदर जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया समझते हो, हमारी विंड पाइप जिससे हमारी हवा जाती है अंदर, वो थक गई क्या? नहीं यार, हवा नहीं यार, इतने सालों से रोज रोज सेम दीदी काम, ठीक है। तो दीदी, हाँ बेटा, पर ये जो दर्द होता है वो जैसे कभी कभार जलन सा होता है वो वो क्यों? अलग है बेटा, वो दैट में भी ड्यू टू किसका थक रहा है? दृष्टि का दिल बोलता है यार 15 साल की हो गई, तब से ढक रहा हूँ, एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली, आज तो मैं थक गया, रिजाइन ही करेगा सीधे यही डिजाइन हो जाएगी। यही रिजाइन हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये भी नॉन हाँ फटीग बेटी, होता है, थकता नहीं है बेटा। दृष्टि नेक्स्ट, अगर स्ट्रक्चर की बात करें या नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो स्केलेटल मसल्स जो रहती है, जो स्केलेटल मसल्स रहती है, ये क्या बताओ होती है, क्या बेटा क्या नदी शायद जाता ज्यादा होता है? है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मतलब इसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये यूनि न्यूक्लिएट होती है, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये यूनि न्यूक्लिएट होती है। ये मेरे को एनसीईआरटी में चेक करना पड़ेगा, यूनि की मल्टी। चमत्कार। हाँ वो टेस्ट बनाई थी ना। मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, क्या बात है। चल, तो ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, इनका शेप कैसा होता है? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है, ये कैसी होती है बेटा? स्पिंडल शेप। ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप। अभी बताती हूँ तुझे, ड्राइंग करके बताऊंगी सीधे को तुम्हें, ठीक है। और जो कार्डिक मसल होती है, ये लॉन्ग भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, लेकिन ब्रांच्ड होती है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस होते, भी डायग्राम बनाऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा। डायग्राम के पहले एक लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, स्ट्राइशंस। इनको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, STRIATED, स्ट्राइटेड मसल्स। इन्हें हम लोग कहते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स, और इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। अब मुद्दा ये उठता है कि ये वर्ड स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, या स्ट्राइशंस का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं दैट द डार्क एंड लाइट बैंड्स, द डार्क एंड लाइट बैंड्स फाउंड ऑन मसल टिश्यू, फाउंड ऑन मसल टिश्यू आर नोन एज, बेटा बाद में छाप लेना, पहले समझ लो, आर नोन एज स्ट्राइशंस, क्या? ठीक है। स्ट्राइशंस मतलब क्या बेटा? जब आप एक स्केलेटल मसल का डायग्राम बनाओगे, तो सपोज ये है मेरी स्केलेटल मसल, ठीक है ना, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल शेप्ड है, और कोई ब्रांच नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब यहाँ पे भी एक आधा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी एक आधा न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे भी एक आधा न्यूक्लियस होगा, मल्टी, हाँ एक से ज्यादा, दो तीन चार।
अब अगर देखें तो जब आप नॉर्मल स्ट्राइटेड मसल्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डार्क बैंड दिखेगा इस तरीके से, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पे अभी और थोड़ी दूर पे एक डार्क बैंड दिखेगा, फिर एक लाइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। ये प्रोटीन सीरीज, ठीक है। तो जब हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इनके ऊपर क्या रहता है, ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइशंस कहते हैं। जब आप स्मूथ मसल्स पे जाओगे तो वो स्पिंडल शेप की होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से, हम पत्ते के शेप, हां यूरिन्यूक्लियट होती है, इसमें डार्क और लाइट बैंड्स वाइब रहती है और कॉलर से। सॉरी बच्चा, क्या आयशा? अरे बेटा ये तीन सेल्स हैं एक साथ, लेकिन ब्रांच है ना तो जुड़े हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो ये सिलेंड्रिकल भी है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांचेस हैं और डार्क बैंड और लाइट बैंड भी हैं। क्या कार्डियक मसल्स, दिल में, अपना दिल पूरा बना ही मसल्स का। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसका फंक्शन ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्योंकि जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्स नहीं करेगा तब तक मूवमेंट कैसी होगी, तो सोचते ये फिंगर ही बंद करता है ना, तो अंदर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं वो एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, सबने हाइड एंड सीक खाया है, ऐसा बिस्किट होता है, यहाँ बीच बीच में चोको चिप्स धसे हुए रहते हैं। किससे बेटा? हाँ हाँ वही वही, ठीक है। तो इसमें इसमें जो चोको चिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल, और जो बिस्किट होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स। आई बात समझ में? मैट्रिक्स बेटा हर सेल में अलग अलग होगा। जैसे अगर अपन लोग ब्लड, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा पढ़ेंगे, ब्लड, तो ब्लड का मैट्रिक्स होगा प्लाज्मा। क्या होगा? अब प्लाज्मा अपने आप में क्या होता है, प्लेन वाटर होता है विद सम सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स, तो वहां पे क्या है, लिक्विड है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोन, ठीक है ना। तो जो बोन होती है उसमें जो मैट्रिक्स रहता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का मैट्रिक्स मतलब क्या कि इसके जो सेल्स रहेंगे बोन के वो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर में धसे हुए होंगे, धसे हुए होना समझते, अंदर होंगे। आ रही बात समझ में? उस पे सपोर्ट करेंगे, हाँ ठीक है। हम लोग कार्टिलेज पढ़ेंगे जो हमारी नोज टिप पे होता है, ये वाला टेक्सचर या ये होता है, इसका जो मैट्रिक्स रहता है वो सेमी सॉलिड रहता है, वो प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होता है, तो ना ही प्रॉपर लिक्विड होता है और ना ही प्रॉपर सॉलिड होता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड कहते हैं। आई बात समझना? तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है, आपको हर सेल में कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना है कि उस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कौन सा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब कल इसके जितने भी पार्ट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो हम पढ़ेंगे,